हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, स्टूडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ एक्सिस बैंक के इजी एक्सिस सेविंग्स अकाउंट के बारे में। अकाउंट कैसा है, क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं हमें, क्या बेनिफिट्स हैं इस अकाउंट के, चार्जेस वगैरह क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होने पाएगा और आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि अकाउंट है कैसा। तो सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहूँगा, कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, मतलब ये जो है एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही है, जिसको हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो जितने भी इसमें फीचर्स, जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सभी नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। तो इंटरेस्ट रेट 3.50% से लेकर 4% तक का होता है और ये बदलता रहता है, और अभी के टाइम में शायद कि यही चल रहा है। और ये इस पर भी वेरी करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो वो बैलेंस के ऊपर भी वेरी करता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितने बैलेंस पर आपको कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो अकाउंट ओपन होगा दोस्तों, मतलब इनिशियल डिपॉजिट जो इस अकाउंट के लिए आपको करना होगा, वो अगर आप मेट्रो लोकेशन के अंदर हैं या फिर अर्बन लोकेशन के अंदर हैं, यानी कि सिटी वगैरह के अंदर हैं, तो फिर आपको जो है 15,000 रुपये से अकाउंट ओपन कराना होगा। और अगर आप जो है सेमी अर्बन एरिया के अंदर है, यानी कि जो कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि आधा शहर आधा गांव है, तो वहाँ पे आपको जो है इस अकाउंट को 6,000 रुपये से ओपन कराना होगा। और अगर आप रूरल एरिया में रह रहे, यानी कि आपका ब्रांच जो रूरल एरिया के अंदर है, तो वहाँ पे आपको जो अकाउंट 3,000 रुपये से ओपन कराना होगा। तो इस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है। तो इसके लिए ही इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों और भी इसमें जो बेनिफिट्स वगैरह में मिलते हैं उसके बारे में। तो आपको जो चेकबुक मिलता है हर साल 20 लीव्स का, यानी 20 लीव्स का आपको जो है हर साल फ्री में चेकबुक दिया जाता है। तो इस अकाउंट का ये एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है आपको। और आपको मंथली ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी देखने को मिलती है, हर महीने जो है स्टेटमेंट आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट का स्टेटमेंट। तो ये उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी फैसिलिटी दे रहा है बैंक, तो अच्छा है ये। इस अकाउंट में आपको रिवॉर्ड प्लस का एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, जो कि अच्छा डेबिट कार्ड होता है। और जो इसकी इश्यूएंस फ़ी होती है वो 300 रुपये की होती है, और जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो भी 300 रुपये की होती है। हालांकि अगर आप जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, यानी कि गांव में रह रहे हैं, तो वहां पे जो आपको सिर्फ 200 रुपये ही इसकी एनुअल फ़ी लगेगी। और दोस्तों, ये जो डेबिट कार्ड होता है, इसकी स्पेंडिंग लिमिट भी बहुत अच्छी खासी होती है। डेली की ATM कैश विड्रॉल लिमिट 40,000 की होती है, और डेली की जो शॉपिंग लिमिट 1,00,000 रुपये तक की होती है। तो बहुत अच्छा डेबिट कार्ड है ये दोस्तों। बात कर लेते हैं ATM ट्रांजेक्शन पर आपको कितनी लिमिट फ्री मिलती है, यानी कि आप अपने ATM कार्ड से कितने जो ट्रांजेक्शन फ्री में कर सकते हैं। तो अगर आप जो है एक्सिस बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन करेंगे, तो आपको जो 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगे, यानी कि जिसमें आप जो है पैसे निकाल सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपने पिन चेंज कर लिया, फिर जो बैलेंस वगैरह चेक कर लिया, तो आपको जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है 10 फ्री दिए जाते हैं। महीने में आपको जो है 5 फ्री मिलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और 10 फ्री आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मिलते हैं एक्सिस बैंक के ATM से। और दोस्तों, अगर जो है अदर बैंक के ATM से बात करें, तो फिर अगर आप जो है मेट्रो सिटी में रह रहे, तो वहाँ पे तो आपको जो सिर्फ 3 ही फ्री दिए जाएंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और इसी तरीके से अगर आप जो है किसी अदर सिटी के अंदर रह रहे हैं, जो कि नॉन मेट्रो सिटी कहलाती है, तो वहाँ पे आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं हर महीने। आप जो है 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल होंगे। मतलब फाइनेंशियल भी आपको 5 फ्री मिलते हैं, और नॉन फाइनेंशियल भी आपको 5 फ्री दिए जाते हैं। दोस्तों, इस डेबिट कार्ड में आपको जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, जो कि 5,00,000 रुपये तक का होता है, लेकिन आप जो है हर 3 महीने के अंदर जो है एक बार अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप करेंगे, तभी आप जो इसको क्लेम कर पाएंगे। मतलब आपको जो है 90 दिनों के अंदर एक बार अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना होगा, स्वाइप करना होगा, तभी आप जो इसको क्लेम कर पाएंगे। और दोस्तों, इस डेबिट कार्ड में आपको 50,000 रुपये तक का जो प्रोटेक्शन कवर दिया जाता है। तो अगर आपने इस डेबिट कार्ड से 90 दिनों के अंदर अंदर जो है जितने भी परचेस किए होंगे, मतलब जितने भी सामान खरीदे होंगे, अगर वो जो है चोरी होते हैं, तो उस पर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। 50,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं आप, या फिर जो है जल जाते हैं तो ऐसे में भी क्लेम कर सकते हैं, या किसी जो प्राकृतिक आपदा की वजह से डैमेज हो गए तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है सिर्फ जो है 90 दिन के अंदर अंदर जितने, मतलब 90 दिन पहले आपने जितने जो है इस डेबिट कार्ड से परचेस किए होंगे प्रोडक्ट्स वगैरह, उन पर ही जो है आपको क्लेम करना होगा, उसके अलावा पे नहीं। मतलब इससे ज़्यादा अगर पुराने होंगे तो आप नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है वो ये होती है कि आपको अपने अकाउंट में जो है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ये कितना मेंटेन आपको करना होगा, तो अगर आप जो है मेट्रो लोकेशन में है, यानी कि आपका ब्रांच मेट्रो लोकेशन में है, या फिर जो अर्बन लोकेशन में, मतलब किसी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये जो है मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। वहीं पे अगर आपका जो है ब्रांच सेमी अर्बन एरिया के अंदर मौजूद है, मतलब आधा शहर आधा गांव, तो ऐसे में आपको जो 5,000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन करना होगा। और अगर आपका ब्रांच किसी ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि रूरल एरिया में है, तो ऐसे में आपको 2,500 रुपये अपने अकाउंट में जो है बैलेंस मेंटेन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अकाउंट को ओपन कर सकता है, बस शर्त यह है कि इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि इंडिया में रह रहा है। NRI इस अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो नहीं ओपन कर सकते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इस अकाउंट को जो ओपन कर सकती है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको KYC डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसा आपको पता ही है कि आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जा रहा है, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो इसके जगह पे वोटर आईडी कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और भी बहुत सारे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो आप जो है दे सकते हैं अकाउंट ओपन कराने के लिए। और दोस्तों ये जो अकाउंट होता है ये जो है जॉइंटली भी ओपन किया जा सकता है। तो ऐसे में जो है एक तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होता है जिसको कि प्राइमरी डेबिट कार्ड दिया जाता है, तो जो प्राइमरी डेबिट कार्ड होता है वही रिवॉर्ड प्लस वाला डेबिट कार्ड जो आपको इस अकाउंट पर मिलता है, तो उसकी जो इश्योरेंस फ़ी होती है दोस्तों वो 300 रुपये होती है, और ये सभी लोकेशन के लिए बराबर है। और जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो जो है 300 रुपये होती है, सिर्फ रूरल के लिए जो है ये 300 रुपये फ़ी नहीं है, मतलब रूरल के लिए जो है 200 रुपये है फ़ी। और इसके अलावा दोस्तों जो जॉइंट अकाउंट होता है, तो जो सेकेंड अकाउंट होल्डर है उसको जॉइंट डेबिट कार्ड दिया जाता है, और जो जॉइंट डेबिट कार्ड होता है ये रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, जिसकी जो इश्यूएंस फ़ी होती है वो 200 रुपये होती है, और ये सभी लोकेशन के लिए सेम है, मतलब चाहे आपका ब्रांच जो है मेट्रो सिटी में, अर्बन में, सेमी अर्बन में, रूरल में, सभी के लिए 200 रुपये है। लेकिन अगर जो है इसकी एनुअल फ़ी के बारे में बात करी जाए तो वो भी 200 रुपये है, लेकिन रूरल एरिया में अगर आपका ब्रांच है तो फिर वहाँ पे आपको सिर्फ 100 रुपये इसकी एनुअल फ़ी देनी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जो ज़रूरी फ़ीस और जो ज़रूरी चार्जेस होने के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, और बाकी के चार्जेस को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं सभी के बारे में जो आपको जानकारी दूं और वीडियो को फालतू में लंबा करूं। अगर आपको सभी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। किसी को कुछ समझ में ना आए तो सोशल मीडिया के लिंक्स भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कैश ट्रांजेक्शन के बारे में, कि हम अपने अकाउंट में कितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं और कितनी बार अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, यानी कि कितनी बार डिपॉजिट कर सकते हैं और कितनी बार जो है विड्रॉल कर सकते हैं फ्री में। फ्री लिमिट हमें कितनी बार मिलती है, तो महीने में हमें 4 फ्री लिमिट दी जाती है। अगर हमने 4 बार से ज़्यादा जो है कैश विड्रॉल किया या डिपॉजिट किया तो उसके बाद से हमको जो है चार्जेस देने होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने जो 2,00,000 रुपये जो है डिपॉजिट कर दिए हैं या फिर 2,00,000 रुपये जो है विड्रॉल कर दिए हैं एक ही बार में, तो फिर जो है जो फ्री लिमिट आपको 4 बार की मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको जो 4 बार यह लिमिट दी जाती है कि 4 बार आप फ्री में कर सकते हैं, या फिर जो है 2,00,000 की आपको लिमिट दी जाती है कि आप 2,00,000 एक बार में जमा करेंगे या फिर निकालेंगे, तो जो आपको 4 बार लिमिट मिलती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों में से आप जो चाहे जो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद से जो फ्री लिमिट होती है उसके बाद से जो चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ होम ब्रांच की। लेकिन अगर आप नॉन होम ब्रांच से कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो सिर्फ 25,000 तक की लिमिट होती है। 25,000 से ज़्यादा अगर आपने कैश विड्रॉल किया या फिर कैश डिपॉजिट किया तो उस पर जो आपको जो चार्जेस देने होते हैं, और ये चार्जेस कितने होते हैं ये जान लेते हैं। तो फ्री लिमिट के बाद से जो आपको कैश डिपॉजिट पे या फिर कैश विड्रॉल पे चार्जेस लिए जाएंगे वो हर 1,000 रुपये पे जो है 5 रुपये लिए जाएंगे, या फिर 150 रुपये लिया जाएगा, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। मतलब आपको 150 रुपये चार्ज देना ही देना है। लेकिन वहीं पे अगर जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा है कि हर 1,000 रुपये पे 5-5 रुपये जो है 150 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको जो है हर 1,000 रुपये पे 5 रुपये देने होंगे। मतलब बहुत ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं यहाँ पे। और आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी फीस और जितने भी चार्जेस हैं उन सभी पे GST अलग से जोड़ा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना होगा, कहीं बाद में आप मुझे उल्टा सीधा कमेंट ना करें कि आपने जो ये नहीं बताया था। दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है उससे, तो बैंकिंग आवर के बाद अगर आप जो कर रहे हैं या फिर हॉलीडेज़ में कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कन्वीनियंस फ़ीस देनी होती है 50 रुपये की, तो वो जो है आपसे फ़ीस ली जाएगी। और ये पर ट्रांजेक्शन की होती है, यहाँ पे कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है कि इतना अमाउंट पे इतना लगेगा, पर ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपये जो है फ़ीस देनी होगी। RTGS दोस्तों ये जो अगर आप ब्रांच से करते हैं तो ये जो फ्री है, और ऑनलाइन करते हैं तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं है। और NEFT जो है ये अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, इस पर किसी तरीके की कोई बार कोई लिमिट नहीं है। और NEFT की जो फ़ीस होती है दोस्तों अगर आप ब्रांच से करते हैं तो वो फ्री है,
और अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन पर चार्ज नहीं लिया जाता है। और दोस्तों IMPS फ्री नहीं है, IMPS करने के लिए आपको चार्जेस देने होंगे। तो अगर आप IMPS के ज़रिए से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं तो 1000 रुपये तक अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं IMPS के ज़रिए से, तो आपको 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपीस चार्ज देने होंगे। और इससे ज़्यादा अगर अमाउंट है, जैसे कि 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया, 1000 रुपये से लेकर के जो है 1 लाख तक का अमाउंट है, तो उसके लिए आपको जो है 5 रुपये चार्ज देने होंगे। और इससे ज़्यादा अमाउंट हो गया यानी कि 1 लाख रुपये से 2 लाख तक का अमाउंट है, तो उसके लिए आपको 15 रुपये चार्ज देने होंगे। और दोस्तों वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि RTGS IMPS और NEFT के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, और बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि इससे हम जो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो अगर आप IRTGS के ज़रिए से भेजते हैं तो ये बड़े अमाउंट के लिए होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यानी कि अगर आप जो पैसे भेजते हैं तो वो तुरंत ही जाते हैं। वहीं पर NEFT का ऐसा नहीं होता है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें मैनुअली काम होता है और इसके लिए जो है वेरीफिकेशन भी होता है, और साथ ही साथ इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि मैनुअली काम होता है, जाहिर सी बात है। और जब भी आप जो NEFT के ज़रिए से पैसे भेजेंगे तो वो वर्किंग आवर के अंदर ही क्लियर होगा, यानी कि एक तो जो छुट्टी नहीं होनी चाहिए, बैंक बंद नहीं होना चाहिए, बैंक बंद होगा छुट्टी होगी तो फिर जो है पैसे NEFT के ज़रिए से वो जाएंगे नहीं, टाइम लगेगा जब तक बैंक नहीं खुलता है। और जो IMPS होता है इसके ज़रिए से आप फटाफट पैसे भेज सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम भी आप 1 रुपये तक भेज सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई लिमिट नहीं, आप जो है तुरंत ही पैसे भेज सकते हैं और ये जो है तुरंत ही जाता है, मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसको कहा जाता है। तो ये सभी जो है फ़ंड ट्रांसफ़र के मेथड होते हैं, तरीके होते हैं, इनके ज़रिए से पैसे भेजे जाते हैं। स्पीड क्लियरिंग चेक के लिए भी एक फ़ी होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब आपका चेक जो है क्लियर होने के लिए बाय पोस्ट या बाय कुरियर जाता है आपके क्लियरिंग हाउस में, मतलब जिस बैंक पर आधारित है उस बैंक पर जाता है, तो उसके लिए चार्ज लगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि अगर 1 लाख तक का आपने चेक जो इशू किया है तो उस पर कोई किसी तरह कोई फ़ी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है तो फिर जो आपको जो 150 रुपये चार्ज देना होगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, अगर आप अपने डेबिट कार्ड को रिप्लेस करा देते हैं तो ऐसे में आपको 200 रुपये उसके लिए फ़ी देना होगा। और जो आपको चेकबुक साल भर में 20 लीव्स की फ्री मिलती है, यानी कि हर साल में ये आपको फ्री मिलेगी, और उसके अलावा लेते हैं अगर आप एडिशनल लेते हैं तो 20 लीव्स यानी 20 लीव्स की अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। डुप्लीकेट पिन, यानी कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करवाते हैं, सिर्फ ब्रांच से होता है, तो उसके लिए भी आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। तो बेहतर है खुद से ही कर लीजिए, ऑनलाइन वगैरह कर लीजिए, हो जाएगा। डुप्लीकेट पासबुक, डुप्लीकेट पासबुक अगर आप बनवाते हैं तो उसके लिए भी आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। अगर आप जो फिज़िकल स्टेटमेंट लेते हैं, यानी कि स्टेटमेंट की कॉपी हार्ड कॉपी लेते हैं ब्रांच से जा करके पिछले 3 महीने की, तो उसके लिए आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। दोस्तों अगर आपने जो चेक इशू किया है और आप जो उसका पेमेंट स्टॉप करते हैं, तो ऐसे में पेमेंट स्टॉप करने के लिए आपको जो है फ़ी देना होगा 100 रुपये। और अगर आप ECS के ज़रिए से पेमेंट करते हैं और उसका पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है फ़ी देना होगा 100 रुपये। DD यानी डिमांड ड्राफ्ट या PO जिसको कि पेमेंट ऑर्डर कहते हैं, अगर आप उसको जो है कैंसिल करवाते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये फ़ी देना होगा। DD या फिर PO अगर आप डुप्लीकेट लेते हैं तो ऐसे में उसके लिए आपको जो है फ़ी देना होगा 100 रुपये। वैल्यू एडेड SMS अलर्ट्स, जो आपको ट्रांजेक्शन वगैरह के SMS आते हैं, तो उसके लिए आपको हर महीने 5 रुपये देना होता है चार्ज, और ये जो है क्वार्टरली लिया जाता है 15 रुपये। आपको यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको आपके ATM पे फ्री लिमिट दी जाती है, जैसा मैंने पहले बताया कि एक्सिस बैंक के ATM पे आपको जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 फ्री लिमिट मिलती है महीने में, और इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल के लिए 10 मिलती है और बाकी के लिए आपको 5 मिलती है, मतलब अदर बैंक के ATM से आपको 5 मिलती है अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में है तो, और 3 जो है फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट मिलती है आपको जो है मेट्रो सिटीज़ के अंदर, मतलब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसमें से अलग अलग हैं, 5-5 और 3-3 फ्री आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो है फ्री लिमिट आपको आपके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड पे दी जाती है, और इसके बाद से जो चार्जेस लिए जाते हैं ATM ट्रांजेक्शन के लिए, तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए जो 20 रुपये प्लस GST, उसमें GST जोड़ा जाता है जब भी आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब पर ट्रांजेक्शन का, चाहे आप जो एक्सिस बैंक के ATM से करें चाहे अदर बैंक के ATM से करें, मतलब फ्री लिमिट के बाद से ये जो चार्जेस लगते हैं। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो 8.5 रुपये यानी कि 8.5 रुपीज़, और उसमें GST भी जोड़ा जाता है। तो इस तरह से आपसे जो है ATM ट्रांजेक्शन के चार्जेस लिए जाते हैं फ्री लिमिट के बाद से। तो दोस्तों यही था एक्सिस बैंक का इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है नॉर्मल सा अकाउंट, अगर आप चाहें तो उसको ओपन करा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या ये सच में फ़ायदेमंद अकाउंट है, मतलब कि बेनिफिशियल है, अकाउंट ओपन कराना चाहिए। तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, तो अगर आपको ऑफ़र वगैरह चाहिए होते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक के डेबिट कार्ड्स वगैरह पे ऑफ़र आते रहते हैं, तो उन सब के लिए तो अकाउंट आप ओपन कराएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
और बाकी का बस नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह से आपको बेनिफिट देगा ये अकाउंट। और अगर आप अच्छे खासे पैसे इसमें मेंटेन करके चलते हैं और अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि एक्सिस बैंक आपको जो है क्रेडिट कार्ड का भी ऑफ़र कर दे। ऑफ़र मिल जाते हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी को मिलेंगे, किसी किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं। तो इसको ऐसा कानून मत मान लीजिएगा कि आप जो है अकाउंट ओपन कर लिए तो आपको ज़रूरी से क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे होता तो फिर तो हर बंदे के पास क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है। तो दोस्तों बस यही आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।